एक NRC का मुद्दा लगातार सामने है, आपकी पार्टी कह रही है कि सभी जगह NRC होगी। भैया मोबाइल बंद कर लो किसका। हमारी पार्टी जो कह रही है वो सही कह रही है। हमारी पार्टी इसलिए कह रही है, आज आपने बंगाल और आसाम के हालात देख लिए। आसाम में तो भाजपा की सरकार है इसलिए वहाँ रोक है, वरना बंगाल की क्या स्थिति है, हमारी पार्टी के और हमारे संघ परिवार के कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और रोज एक दो व्यक्ति की हत्या होती है, इसका क्या मतलब। अभी एक IAS का अभी बयान आया, कल आया, आप ही लोगों से मैंने देखा था, TV पे, पुरी में था तो मोबाइल में देखा कि एक IAS है भारती, उनको इसलिए हटाया गया कि वहाँ भाजपा के ज़्यादा वोट पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वोट नहीं पड़ना चाहिए BJP के लिए। अरे भाई उन्होंने कहा चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए ना, चुनाव आयोग का क्या मतलब है निष्पक्ष चुनाव, जिसके पक्ष में वोट पड़े जो चुनाव जीते वो जीते, जो हारे हारे। अब डंडा के बल पे थोड़ी शासक चलेगा, आप बताओ। और वो ममता बनर्जी डंडा के बल पे चलाना चाहती हैं, वो उनकी गलत फहमी है। अभी ये चलो उनके प्रदेश में पुलिस उनके कब्जे में, CRPF और ITBP ये लोग उनके कब्जे में थोड़े ही है, केंद्रीय सब लगा देगा। गृह युद्ध होने की बात कर रही है, गृह युद्ध कुछ नहीं होगा, उनके ही कार्यकर्ताओं में उनका गृह युद्ध हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। वो भड़का रही है, बहतेरी कोशिश कर रही है, वो नेता बनना चाहती है और वो आज अकेली रह गई है, आप देख रहे हो। देश के लिए सारे दल एक है, देश से अलग नहीं है। वैसे राजनीति करो, देश के प्रति अगर कोई बात आए तो सारे दलों को एक रहना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। गद्दारी कर रही है देश के साथ, इन बातों से तो लग ही रहा है गद्दारी और धोखा सभी कुछ कर रही है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इस देश की रहने वाली है, उनका जन्म इस देश में हुआ हो। मुझे तो ये भी शक है कि वो इस देश में पैदा नहीं हुई होंगी, मुझे लग रहा है कि वो किसी दूसरे देश से पैदा हुई होंगी या कहीं दूसरे देश से आई होंगी। जो महागठबंधन की बात आ रही थी उसमें ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी को PM उम्मीदवार, तो ऐसे लोगों को अगर PM, जो कमजोर होता है वो गठबंधन करता है, ताकतवर कहाँ गठबंधन करता है, आप बताओ। ये सब लोग कमजोर है ना, और कमजोर आदमी इसलिए गठबंधन कर रहे हैं, ये डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? BJP की सरकार से डर रहे हैं, जनता से डर रहे हैं, माननीय मोदी जी से डर रहे हैं, और 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उस सब चीजों से डर रहे हैं। ठीक है।